कोई चीज अगर तीन गुना हो जाए तो आपको कैसा दिखता है, और वही तीन गुना होती हुई चीज आपको सेंसेक्स में भी दिख सकती है। ये कैसा क्यों हो रहा है, ये इसी कार्यक्रम के अंदर हम समझेंगे कि एक लाख की बात आखिरकार निकली क्या, ये लखटकिया सेंसेक्स कहां से आ गया, और इस लखटकिया सेंसेक्स अगर आ भी गया तो आपका फायदा इससे कैसे जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आपके सामने आज हम इसी कार्यक्रम को लेके आए हैं। बाजार ना रुकेगा ना थमेगा, ये तो दौड़ लगाता ही रहेगा। ये दौड़ सिर्फ दो चार दस छह महीने की नहीं है, बल्कि ये तो सालों की दौड़ है, और सेंसेक्स एक लाख का स्तर भी पहुंच सकता है। इस बात से आपको हैरानी जरूर होगी होगी, मैं आपकी हैरानी और आपका ये जो कंफ्यूजन या फिर आपका जो एक सस्पेंस है उसको तोड़ देता हूँ। ये बात की है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई ने। उन्होंने बाजार पर भरोसा जताया और जी बिजनेस के नारे पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अच्छे शेयर चुनिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। जी बिजनेस भी यही कहता है, आपका फायदा कुछ सिलेक्टिव शेयर्स के साथ। तो ये बात उन्होंने भी रखी, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाली बात की। वो चौंकाने वाली बात क्या है जो बाजार में आजकल चर्चा में है, पहले उस बाजार की उस बात को सुनिए, उसके बाद फिर आज के दो मेहमान से हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इस चौंकाने वाली बात को अंत तक यानी कि फायदे तक हमको कैसे लेके चलना है। पहले जरा रिदम देसाई को सुनिए, जिन्होंने बाजार में ये बात कहकर एकदम से शोरगुल यानी कि हल्ला मचा दिया। तो जब आप जनधन आधार और मोबाइल का कॉम्बिनेशन करते हो तो इसको हम डिजिटल इंडिया कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिससे लेके इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो आगे जाके बढ़ेगा। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो पिछले तीन महीनों में हुआ है, वो है जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और आजकल जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ स्लोडाउन हो गया था। लेकिन जीएसटी में जो एक सबसे बड़ा चेंज है जो बहुत लोग नजरअंदाज कर लेते हैं वो है कि जीएसटी एक कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये दो चीज को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम इंडिया डिजिटल लीप कहते हैं, और उसे लेके ग्रोथ में एक बदलाव आएगा अगले 5-7 साल के लिए। और बाजार लीनियर नहीं जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, बाजार हमेशा नॉन लीनियर रिएक्ट करता है। तो बाजार में बदलाव उससे जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा एक लाख का फोरकास्ट है जो मुझे लग रहा है अगले 4-5 साल में सेंसेक्स का लेवल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बात आपने सुन ली, इसलिए हमने आज पूरे हेडर में यही लिखा कि एक लाख का सेंसेक्स। लेकिन एक लाख का सेंसेक्स सिर्फ एक बात है, इस एक लाख के सेंसेक्स में कौन से शेयर जुड़ जाएंगे, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे इस लखटकिया सेंसेक्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो खास मेहमान हमने अपने साथ जोड़े हैं जो कि आपके सामने शेयर्स भी रखेंगे और साथ ही साथ उनसे हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर हमको एक लाख की तरफ बढ़ना है तो किससे फायदा मिलेगा। मेरे साथ मेहरबून ईरानी है और मेरे साथ संजीव भसीन भी है। संजीव जी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मेहरबून जी आपका भी शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका ना मैं एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खैर दोनों मेहमानों का, वो इस वजह से मेरे को अच्छी तरह से याद है आप दिवाली पे मेरे साथ जुड़े थे। आपने उस समय जो भरोसा दिलाया था कि हाँ बाजार के अंदर आप बने रहिए, ये जो रिफॉर्म सरकार कर रही है ये अद्भुत है और इसका फायदा मिलेगा। सर ये ना मैं निवेशकों की तरफ से आपको जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, आपकी बात को बड़े गंभीरता से सुनते हैं और आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आप बोलेंगे तो बाजार के अंदर वो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और वैसे भी आपकी जो छवि है वो एक स्टॉक पिकर की है, एक सेक्टर पिकर की है, बदलते हैं आप उसको। संजीव जी आपका भी शुक्रिया, नंबर्स पे तो हम आपसे बातचीत करते ही हैं लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा मेरे। आपका कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरी उम्र ही इतनी है, तो आपका एक्सपीरियंस और मेरी उम्र बराबर है, तो आप ये सोचिए कि आप कितनी बड़ी बात बोलेंगे और हम सबको बड़ी खुशी। और मैं भी अपने आपको सौभाग्यवान समझता हूं कि आप लोगों के साथ मैं शो कर रहा हूं और हम ये सब एक लाख की बात, इस इतिहास की बात के अंदर मैं भी आपके साथ जुड़ के एक गवाह बन जाऊंगा। शुक्रिया मेहरबून जी, शुक्रिया संजीव भसीन आपका आज कार्यक्रम में समय देने के लिए। सर मैं आपसे शुरू करूं, ये बात सिर्फ मॉर्गन स्टैनली की नहीं है, ये बात तो हम भी चाहते हैं, भारत की ग्रोथ, भारत के बाजार का रेगुलेशन, भारत के बाजार का बढ़ना, ये बात सिर्फ मॉर्गन स्टैनली की नहीं है। तो मेरा बुंजी आपसे मैं जानना चाहता हूं आपका व्यू क्या है, ये बाजार अच्छा चलेगा आगे चल के, हमको ठीक है हचकोले थोड़े आ सकते हैं लेकिन भारतीय बाजार फर्म खड़ा रहेगा। आज जिसकी उम्र 30 साल है, 25 साल है, 35 साल है, वो इस बाजार के साथ आज जुड़ जाए। देखिए जो भी मेरा अनुभव रहा है मार्केट में, मैं कहूंगा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास विल कंटिन्यू टू ग्रो।
रही बात दूसरी, नंबर्स प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि 1 लाख होगा, 70,000 होगा, 1,20,000 होगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वेल्थ विल कीप ऑन ग्रोइंग। रही बात मेरा पर्सनल अनुभव की, जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा व्यूअर्स को कि मार्केट में अगर पैसा कमाना है आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। यस, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, 5% घट सकता है, वहां पे आपके स्टॉक्स 20% घट सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ इट ऑल हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि साइड में 8 महीने से लोग मंदी की बात कर रहे थे। जनवरी महीने में पोस्ट डिमोनेटाइजेशन लोग कह रहे थे निफ्टी 7,000 हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा, व्हाट हैपेंड? आज वही लोग तेजी की बात करते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि साइड में रहकर पैसे नहीं बनते, यू नीड टू रिमेन इन्वेस्टेड। और मार्केट में एक धक्का बैठेगा, 100% बैठेगा, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल जो दिवाली में मैंने कहा था कि 1 साल के बाद यू विल बी हायर, आई स्टिल से द सेम थिंग। रही बात ओवर द नेक्स्ट 2-4 ईयर्स व्हाट स्टॉक्स टू बाय, हाउ टू बाय, आई थिंक यू नीड टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, जिसमें आपको दो चीज देखना पड़ेगा। आज मार्केट थोड़े से इन्फ्लेटेड लेवल्स पर है, मार्केट डेफिनेटली घट सकता है, तो बाय स्टॉक्स उस वैल्यूएशन आर स्टिल अट्रैक्टिव। एंड दूसरा पैरामीटर आपको रखना चाहिए बाय कंपनीज और बाय स्टॉक्स जिसमें कंपनी की ग्रोथ आती रहेगी, आपको ग्रोथ आती दिख रही है। लोग क्या करते हैं, ईपीएस देखते, अर्निंग्स देखते, क्वार्टरली नंबर्स देखते, शेयर खरीदते बगैर सोचे कि अगले 2 क्वार्टर में क्या होगा। सो यू हैव टू बाय कंपनीज विद इन सेक्टर्स विच विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड इफ यू फील मार्केट कैन हैव अ 5-10% फॉर एनी टाइम, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ सकता है, आएगा Definitely possible. My stock should not fall by more than 10-15-20% and ultimately should be much higher than where it is today. ये दो पैरामीटर लेकर चलेंगे, मैं समझता हूँ investors should not be worried and should remain invested in equities. ठीक है सर, शुक्रिया ये बताने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस जगा, हमारी थोड़ी सी समझ और बढ़ रही है आपकी बात से सुनकर। तो ये बात ठीक है, बाजार में आपको निवेशित रहना है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाजार का हिस्सा जरूर है, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसी कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अच्छे शेयर्स में निवेशित रहेंगे, आप यकीन मानिए आपका पैसा 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो सकता है। ये बाजार तो 3 गुना होगा, 33 से हो सकता है 1 लाख हो जाए, लेकिन आपका पैसा अगर 10 गुना भी हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, और इसी मार्केट ने इन्हीं लेवल से ये प्रूव भी किया है। अब हम कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले मिस्टर भसीन जी से एक बार मैं ये पूछ लेता हूं कि क्या उनकी थ्योरी बाजार में तेजी को लेकर है या फिर वो कुछ और सोच रहे हैं। भसीन जी शुक्रिया। सेंसेक्स 1 लाख के बाद बाजार में है, इसलिए आपको जोड़ना पड़ा, आपसे कुछ और एनालिसिस करवाना पड़ रहा है हमको। ये 1 लाख के बाद कितनी इंपॉर्टेंट है और हमको कैसे आगे बढ़ना है? आपको 4 साल की एकदम कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ और जीडीपी की यू नो क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट एक्सपेंशन, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, ये सब देखना है जो अभी तक मिसिंग था। हाँ, हमें लगता है मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेस कर रही है रिटर्न। बट एक नंबर देना वुड बी डिफिकल्ट। वी थिंक मार्केट्स विल बी इन अ फेयर प्लेस विद केवियट के 1-8 साल आपको थोड़ा सा वॉलिटिलिटी और एवरेज रिटर्न्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नंबर से हम जाएंगे नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस के साथ जरूर जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और मेहराबून जी का कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि हमको बाजार में निवेशित रहना है, बाजार से डरना नहीं बल्कि इसका भागीदार बनना है। लेकिन सर, अगर भसीन जी हमको भागीदार बनना है तो किस सेक्टर की तरफ हम जाएं? हम अगर तेजी देखना चाहें या किसी से दूर रहना चाहें, वो सेक्टर कौन से हो सकते हैं सर? तो देखिए, 2-3 सेक्टर स्टैंड आउट कर सकते हैं। एक तो एज अ डिफेंसिव प्ले फार्मा विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सीज, क्योंकि लास्ट 2 साल में जो इसकी वीकनेस थी बिकॉज ऑफ जेनरिक प्राइसिंग और FDA, वो सब बैक बर्नर पे है, और आगे जाते हुए हमें लगता है फार्मा भी कैन बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। दूसरा विल बी बैंक्स, यू नो पर्टिकुलरली PSU बैंक, जो रिकैपिटलाइजेशन की वजह से अपनी बुक साफ करके अब आगे क्रेडिट ग्रोथ और ट्रेजरी प्रॉफिट्स के लिए काफी हिस्सेदार रहेंगे। उसी के साथ आप लगा लीजिए कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जहां में लगता है क्रेडिट विल एक्सपैंड मोर ऑन द रूरल साइड्स, दैट कुड बी अ वेरी गुड केवियट। और थर्ड वुड बी कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक रियलिटी, क्योंकि जो वेल्थ इफेक्ट इतना होएगा, हमें लगता है रियलिटी में तो ये जरूर चेंज लाएगा, और वी थिंक एटलीस्ट रियलिटी स्टॉक्स शुड डू एक्सट्रीमली वेल इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए गंभीरता से बात करने की जरूरत है। इसमें कार्टून नहीं चलेंगे, इसमें वो चलेगा जो बाजार का हिस्सा है, आपका पैसा है, इसमें कार्टून नहीं चलेंगे। इसलिए मेहरबून और मिस्टर भसीन को हमने साथ जोड़ा ताकि बहुत शांत तरीके से हम ये जान पाएं कि बाजार की दिशा कैसे रह सकती है। मेहरबून जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता था, ये 2019 के अंदर चुनाव है, जितना हम आपसे सीख सीख के समझे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ पैरामीटर्स पे तो बिल्कुल अपने आप को फिक्स कर देगी, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर।
जैसे कि हाउसिंग को लेकर रिफॉर्म्स, जैसे कि लेकर किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले, उसमें आपका नाम एक स्टरलाइट टेक का हमेशा से कॉन्फिडेंस दिखाते रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। मैं कहूंगा कि हाँ और ना। हाँ इसलिए कि अगर आप देखें तो इट्स अ क्लियर प्रॉक्सी फॉर डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में आप मानते हो, आप समझते हो कि वी आर मूविंग मोर एंड मोर डिजिटल, तो आई थिंक यू नीड टू बाय समथिंग इन दैट स्पेस, तो स्टरलाइट बेस्ट है। तो मैं सहमत हूं आपके साथ। लेकिन दूसरी बात है कि ऑप्टिक फाइबर की ग्लोबल डिमांड। स्टरलाइट इज अ बिग 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 ग्लोबल प्लेयर, स्ट्रांग एक्सपोर्ट सेल्स है, कैपेसिटी एक्सपांशन जो करना है जगह पे है। और मेरा पर्सनल मानना है कि बाय FY20 दिस कंपनी शुड हैव एन ईपीएस ऑफ नॉट लेस देन 20 रुपीज पर शेयर। अगर आप मुझे पूछो 110 120 से आपके चैनल पर रिकमेंड करते आ रहा हूं, लोग कहते हैं बहुत पड़ गया प्रॉफिट बुक करना, मैंने पहले भी कहा था द वे टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स इज जहां पे आपको लगता है अर्निंग्स बढ़ती जाएगी। और मैं समझता हूं स्टर्लिंग्स में अर्निंग्स बढ़ती जाएगी, ऑप्टिक फाइबर इज इन ग्रेट डिमांड, प्राइसेज आर फर्म, तो आई पर्सनली बिलीव द स्टॉक इज ओनली वन वे टू गो, दैट इज अप। एंड आई वुड से 400, 450, 500 जो भी टारगेट लेना ले लीजिए, विच आई बिलीव शुड कम इन द नेक्स्ट टू एंड हाफ ईयर्स टाइम। सो 275 एक बार 250 आ सकता है, मुझे पता नहीं है। मार्केट घटेगा तो एक बार 250-240 आ सकता है, बट 400, 450, 500 इज सर्टनली गोइंग टू कम। ये पर्सनल मेरा मानना है, विच शुड कम मे बी बाई 2019, मिड 2019 में वो प्राइस, आई थिंक यू एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट प्राइस फॉर स्टरलाइट। ठीक है, 450 बिल्कुल शानदार, एक बेहतरीन कॉल आपकी तरफ से पहले भी मिली, निवेशकों ने काफी पैसा बनाया और अब भी आप उसी कन्विक्शन के साथ खड़े हैं, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं आपका, और हमको भी ये यकीन हो रहा है कि हाँ स्टरलाइट टेक एक ऐसी कॉल है कि 450 क्या हो सकता है, इससे भी ऊपर आ जाए। मेहरबुन जी, लगातार आपसे हम कुछ और कॉल्स भी जानेंगे, लेकिन मिस्टर भसीन से एक बार मैं ये पूछ लूं उनका कन्विक्शन कहां पे आकर ठहर रहा है। मिस्टर भसीन, आपने हमको सेक्टर्स तो बताए, लेकिन कुछ एक ऐसे अच्छी वैल्यूएशन वाले शेयर बताएंगे। ये खासकर मैंने ना वैल्यूएशन वाला वर्ड खुद अपने जानबूझ के जोड़ा है, क्योंकि मार्केट में ना आजकल बाजार में तेजी और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा चर्चा है इन दोनों वर्ड्स की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या ठीक है? वाली पे आपको तीन शेयर कहे थे, DLF, उज्जीवन और यूनाइटेड स्पिरिट्स, और हम तीनों पे बहुत बुलिश हैं, इवन दो वो ऑलरेडी 20% बढ़ चुके हैं। तो DLF एज अ प्रॉक्सी इज द लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर इन द कंट्री, और जैसे जैसे रियल इस्टेट बढ़ेगा और उनकी लीवरेज कम होगी, वो स्टॉक आउट परफॉर्मर है। उज्जीवन ऑन द बैक के माइक्रो फाइनेंस में, आई थिंक रूरल एरियाज में दिस विल बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, और यूनाइटेड स्पिरिट्स क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट मिक्स और फ्रेंचाइज का बिजनेस है वो बहुत अच्छा एक्सपैंड कर रहा है। इसके अलावा ITC इन भाव पे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कंपनी डाइवर्सिफाई कर रहा है इन देयर पोर्टफोलियो और FMCG, और सिगरेट वॉल्यूम्स आर गोइंग टू बी एन एडेड किकर, क्योंकि वर्स्ट ऑफ द GST डिसरप्शन वुड बी प्राइस्ड इन। ठीक है, HDFC बैंक, मेरा मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम मैं आपसे ये पहले भी सुन चुका हूं, और ये बाजार का भी वेटेज वाला शेयर है, इसका चलना बाजार का चलना भी है, मैं इससे भी इसको कनेक्ट करके देखता हूं। आप HDFC बैंक में क्या क्या देखते हैं, क्यों इस निवेशक को इस बैंक के साथ जुड़ना चाहिए? आई थिंक अगर आपको एक शेयर लेना है, हाँ, जो अगर आपको अपने बच्चे को देना है या ग्रैंडसन को देना है, यू जस्ट गो ऑन बाइंग HDFC बैंक एवरी मंथ। ये मेरा ये पब्लिक सेमिनार्स में मैं एड्रेस करता हूँ, मेरा यही कहना होता है इन्वेस्टर्स को कि डोंट बॉदर, जस्ट गो ऑन बाइंग इट। और शायद अगर 10, 15 साल 20 साल के बाद देखो तो आपकी क्वांटिटी देखो कितनी रहेगी और प्राइस देखो। मेरा पर्सनल व्यू है कि हर 5 साल द स्टॉक शुड डबल। और अगर आप मुझे 1800 पे पूछे 5 साल के बाद HDFC बैंक का क्या भाव होगा, मैं कहूंगा 3500 से 3600 रुपया, सेफेस्ट स्टॉक इन द मार्केट। शायद मैं नहीं रहूं दुनिया में, मेरा लड़का नहीं रहेगा, मेरा पोता नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली द एंड ऑफ इट ऑल HDFC बैंक विल बी देयर, विल स्टैंड टॉल। दैट इज द वे टू लुक एट इट। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है, आई थिंक द ओनली स्टॉक विच आई कैन आइडेंटिफाई विच यू बाय फॉर द नेक्स्ट नॉट 5 ईयर्स मे बी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इज HDFC बैंक। इतना कॉन्फिडेंस है मेरा, और ये कॉन्फिडेंस आई थिंक फ्रॉम द टाइम मिस्टर आदित्य पुरी एड्रेस्ड अ कॉन्फ्रेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ क्वाइट मेनी इयर्स अगो, मे बी 15-17 ईयर्स अगो, आई थिंक वो टाइम से मेरा कॉन्फिडेंस है बैंक में रहा है। आई गॉट नो क्वेश्चन विद द बैंक, पीपल कीप ऑन सेइंग कॉन्स्टेंट ग्रोथ देता है, बट कॉन्स्टेंट ग्रोथ देता है, दैट इज एक्जैक्टली वेर यू शुड पार्क योर मनी। तो यहां पे आंख में पट्टी लगाइए,
मार्केट में नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतता है नहीं जीतता है, गुजरात इलेक्शन क्या होता है, एमपी इलेक्शन का फॉरगेट एवरीथिंग, जॉब ग्रोथ बढ़ता है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है कि नहीं, दिस बैंक इज हियर टू स्टे एंड विल कंसिस्टेंटली गिव यू रिटर्न्स, इट्स अ डबलर इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स, दिस इज द वे आई से, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट गो एंड बाय एचडीएफसी बैंक, इज सर्टेनली बेटर देन एनी फिक्स्ड डिपॉजिट यू टेक इन एनी बैंक। मैरामन जी, हमने भी ना ग्राफिक्स में ये लिखा है, ये नाती पोतों का बैंक हो गया, हमने यही लिखा है कि अपने बच्चों को आप ये बैंक के शेयर्स देके जाइए, ये लंबी अवधि का शेयर है। और रही बात आपकी उम्र की, सर हम तो बिल्कुल दुआ करते हैं कि आप लंबी उम्र रहे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, हम तो ये भी दुआ कर सकते हैं, तो आप क्योंकि बेहतर शेयर दे रहे हैं। देखिए ये भी एक तरह का सोशल वर्क ही है, कई लोग इसको पता नहीं कैसे देखते होंगे नहीं देखते होंगे, लेकिन आप बेहतर शेयर दे रहे हैं, लोगों को उनके पैसे का सदुपयोग बता रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम बात तो कर रहे थे ले 1 लाख की, लेकिन आप दे रहे हैं हमको 10 लाख वाली बात, तो ये तो 10 लाख वाला सवाल हमने पूछा था, 10 लाख वाला जवाब भी हमको मिल गया। एक लाख तक का हो सकता है सेंसेक्स, 1 लाख के सेंसेक्स के लिए आपको 60 साल का एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, और 60 साल का एक्सपीरियंस आपको भोगना है, यानी कि आपको बाजार में नहीं रहना है, बल्कि दो अगर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस आप जोड़ दें तो आपके सामने 60 साल का एक्सपीरियंस है। यही बात मिस्टर भसीन के साथ है, और मैरामन भी पिछले 30 साल से बाजार के अंदर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दोनों ही हमारे मेहमान 30-30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कार्टून का गेम नहीं है, बल्कि ये तो सीरियस बिजनेस है जिसके साथ हमको आगे बढ़ना है। और मैरामन जी, अगर आप चश्मा डाले भी रखेंगे ना तो आप और स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है अगर आप चश्मा डाले भी रखेंगे तो। आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं सर। चलिए सर, मैं आगे आ रहा हूं आपके पास ही, आपकी लिस्ट में एक एडलवाइस भी है, जितना मैं जानता हूं सर आपने कभी एडलवाइस में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने एडलवाइस को चुना, सर अभी रीजन बता दीजिए। आई थिंक एडलवाइस को मैं पसंद कर रहा हूं करीबन 90 लेवल्स के आसपास से, करीबन 1-1.5 साल पहले का भाव था, 90 वाला आज करीबन 290-300 के आसपास है। आज नंबर्स आने वाला था, मैंने नंबर्स देखे भी नहीं और मुझे परवाह भी नहीं है ऑनेस्टली। आपने मुझे पूछा मैंने ये इंडस्ट्री में होने से एडलवाइस को क्यों आइडेंटिफाई किया और किसी को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, मैं कह रहा था ये स्पेस बढ़ेगी, अल्टीमेटली हमको एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, मोतीलाल ओसवाल है, इंडिया इन्फोलाइन है, जेएम फाइनेंशियल है, सेंट्रम है, सेंट्रम को भी मैं पसंद करता हूं, लेकिन रही बात एडलवाइस की, मैंने उसको एक स्मॉल ब्रोकिंग प्लेयर से वेल्थ मैनेजमेंट में आते हुए देखा, देन दे वेंट इनटू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में आज भी कंपनी लॉसेस कर रहा है, 2 साल में लॉस वाइप आउट हो जाएगी, देन दे वेंट इनटू लैंडिंग, होलसेल लैंडिंग, रिटेल लैंडिंग, और बाद में एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस, जहां पर एकदम आगे है, टॉप कंपनी आज इंडिया की एसेट रिकंस्ट्रक्शन, और एक बिजनेस ऐसी बिजनेस है जो कंपनी अच्छी तरह समझता है, परखता है, एंड अल्टीमेटली दे आर डिलीवरिंग, सो आई बिलीव दिस हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर एडलवाइस, and that is making it stand apart from the other companies. So I won't like to compare others with Edelweiss today. I think Edelweiss is much ahead, especially in asset reconstruction business. Aur main samajhta hu in the next 2-3 years this company could be in virtually a different space. Rahi baat 90 rupees 280 290 300 rupees ho gaya abhi bhi aapko pasand hai, many people ask this question, profit to book karna chahiye, profit book kar liya, I personally feel sad for them. बिकॉज अगर आज मुझे कोई नया इन्वेस्टर पैसा देता है इन्वेस्ट करने को अमंग माई टॉप 10 स्टॉक्स इन द मार्केट, और इसलिए आपके चैनल पर आज भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं एडलवाइस को रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। विल द स्टॉक बी 450-500 इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स? आई रियली डोंट नो वेन इट विल हैपन, बट इट विल सर्टनली हैपन। सो 1 साल के बाद शायद 350 हो, 400 हो, मैं फिर से आके शायद रिकमेंड भी करूं, वो भी हो सकता है। एट दिस प्राइस एडलवेस अगेन कैवियट है कि 1-2 महीने में अगर मार्केट करती है, एक बार 250 आ सकता है, बट दिस इज द स्टॉक विच शुड बी 400-500-600 रुपीज इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स टाइम, दैट इज माई पर्सनल बिलीफ। ठीक है, एडलवाइस भी होगा सर की लिस्ट में। मिस्टर भसीन, इसलिए आपको मार्केट का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि आप चीजों को जल्दी से परख लेते हैं, एक ही मिनट में आपको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे अब तस्वीर बिल्कुल ठीक है, बॉटम बन गया और चलने लगेगा। फार्मा उसमें से एक है, जिस समय बाजार में फार्मा की कोई बात नहीं कर रहा था, आपने कहा यहाँ पे संभावनाएं हैं, ये फार्मा में आपके शेयर कौन से हैं सर? तो अच्छी मैं शायद भूल गया, लेकिन फार्मा में हमने 4 महीने से सिप करा रहे हैं, और अभी भी रिकमेंड करेंगे कि 4 या 5 शेयर का एक सिप कीजिए, जिससे आपका रिस्क भी है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिटर्न भी अच्छे। तो डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सन,
सिप्ला एंड डीवीज लैब, इन पांच शहरों में हमारी पॉजिटिव कवरेज है और हम एडवाइज करेंगे कि इन पांचों में आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके रखिए, ये सब आपको स्टेलर रिटर्न्स देंगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है, डीवीज, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये नाम आपके सामने आ चुके हैं, इनमें धीरे धीरे आप निवेश भी करेंगे तो 1 लाख तो छोड़िए, आप हो सकता है उससे अच्छा का रिटर्न भी पा जाएं। एनबीएफसी बैंकिंग शेयर्स पर आपका व्यू क्या है मिस्टर बजीन? हाँ, तो अगर हम पीएसयू बैंक्स कहें तो बिकॉज दे आर गुड कॉर्पोरेट लेंडर्स और उनकी एसेट क्वालिटी बेटर है, स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों स्टैंड आउट करेंगे। लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग और लो कॉस्ट ऑफ जो आपके गवर्नमेंट इन्फ्यूजन है वो, उसके वजह से पीएनबी एंड कैन बैंक कैन बी इनऑर्डिनेट गेनर्स बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग गिरने से उनका मार्जिन क्रिएट होएगा। और प्राइवेट बैंक्स में एक छोटा बैंक है जिस पे हम काफी बुलिश हैं, आईडीएफसी बैंक, चाहे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट की डील हो या ना हो, हमें लगता है आईडीएफसी बैंक का फ्रेंचाइज मॉडल बहुत अच्छा है। इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, उनका जो ये अब प्लेटो हो रहा है क्योंकि ब्रांचेस आर एक्सपेंडिंग, दैट कैन बी अ डार्क हॉर्स जो हमें लगता है यहाँ से 3 साल में बहुत आउट परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आपको कहा था उज्जीवन, एक इक्विटास और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जहां हम वेरी बुलिश, और ये डिक्लाइन हमें अभी रिसेंटली दिखा है जहां एलआईसी हाउसिंग ये लेवल पे बहुत पॉजिटिवली प्राइस्ड है क्योंकि ब्रांड इज इमेंस, इवन दो दे कैन बी प्रेशर ऑन मार्जिंस इन द नेक्स्ट 2 quarters। ठीक है, अगर आप दोनों से बात करता रहा ना तो कई साल भी निकल सकते हैं, तो इसलिए मेहरबान जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे को जरा संक्षेप में और अपने 2 शेयर्स बता दीजिए जिसपे आपका एक बुलिश व्यू है। आई थिंक मैंने एक चीज कहा था कि यू आइदर बाय अ वेरी स्टेडी कंपनी लाइक एचडीएफसी बैंक और यू बाय ग्रोथ कंपनी लाइक एडलवेज एंड स्टरलाइट, और 2 कंपनी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो शेयर करना चाहूंगा, क्लियर डिस्क्लोजर्स इन प्लेस, पर्सनली होल्ड करता हूं, क्लाइंट्स को होल्ड करता हूं और एडवाइस करूंगा लेने को, और कोई इरादा नहीं बेचने का। एक है टेक सॉल्यूशन, करीबन 170 के आसपास ये स्टॉक है, मैं समझता हूं कि मार्केट में क्रैक आएगा ही आएगा, और जब भी आएगा मार्केट में 10-20% स्टॉक घटेगा, ये स्टॉक को मैं 150-155 के नीचे आते देखता ही नहीं, और मुझे लगता है मिनिमम इसका स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 275-300 रुपीज अगले 2 साल में। ग्लोबल सेंट्रिक कंपनी हो गई है फॉर द लाइफ साइंसेस बिजनेस, पहले एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी थी, इट इज रियली प्रोग्रेस्ड वेरी वेल, उनकी ऑर्डर बुक अब देखिए एवरी क्वार्टर में बढ़ते जाती है, मुझे लगता है करीबन 18-20 रुपये अर्निंग आना चाहिए FY20 तक। अगर आपको उसको 20 का भी पी देखे तो 240, 250, 300 जो भी आपको वैल्यूएशन देना है दे दीजिए, एंड दिस इज व्हाट द वे वन शुड बी लुकिंग एट द स्टॉक। सो टेक सॉल्यूशन मुझे लगता है इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट बेट विथ हार्डली एनी डाउनसाइड रिस्क। सो 170 के आसपास मैं कहूंगा दिस इज द स्टॉक यू नीड टू बाय फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, पॉसिबली योर मनी कैन इवन डबल। दूसरी कंपनी है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जिसके नंबर्स मार्केट को ज्यादा पसंद नहीं आए, कल 40-41 के आसपास भाव है, 4.20 रुपये के आसपास मेरे को लगता है ये कंपनी की अर्निंग्स आएगी करंट ईयर, जो करीबन 6 रुपये तक जा सकती है अगले 2 साल में। द रीजन इज दिस कंपनी बिकॉज डेट फ्री, रिसेंटली उन्होंने स्काई एंटरटेनमेंट जो यूरोप की बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है उसके साथ टाई अप किए, विच शुड गिव अ 12,000 करोड़ रेवेन्यू टू द कंपनी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 1300 एम्प्लॉय स्काई के FSL में आ गए हैं। सो इफ यू लुक एट दिस कंपनी बिकमिंग डेट फ्री, टाई अप विद स्काई के साथ जो टाई अप है, आई थिंक 6 रुपीज अर्निंग्स, अगेन 6 रुपीज पे 10-12 का पीबी पकड़ो तो 60-65 का भाव आता है, 50% एप्रिसिएशन जो मैं समझता हूँ अगले 1 साल में आना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर आप दोनों का ही आज कार्यक्रम में जुड़ के हमको शेयर्स बताने के लिए। मिस्टर बसीन शुक्रिया आपका, मेहरबान जी आपका शुक्रिया।